क्या नाम है? सर मेरा नाम रोहित यादव है, मैं क्लास 10th का छात्र हूँ। क्या बनना चाहते हैं? मैं तो IAS बनना चाहता हूँ सर। IAS बनना? IAS बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सर IAS बनने के लिए सर पढ़ाई करनी पड़ती है। कौन किस पढ़ाई, किस तरीके से पढ़ाई करनी? सर सोशल की पढ़ाई करनी पड़ती है। सोशल के बारे में? IAS बनने के लिए कौन सा हमें पेपर देना होता है सर? कौन सा पेपर देना होता है जिससे हम IAS बन जाए? सर ये तो सब अभी नहीं नॉलेज है सर, मैं जो बताना चाहता हूँ सर वो सुनिए सर। क्या बताना चाहते हैं आप? जैसा कि बड़े मतलब जोश में है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं। जैसा कि सर आप पूछ रहे थे कि मतलब राम जन्मभूमि के बारे में, हाँ। कि वहाँ क्या झगड़ा चल रहा है कि मंदिर बने कि मस्जिद बने। मैं भी सर एक हिंदू हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मंदिर बने या मस्जिद बने, क्योंकि सर मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा तो सर उससे मतलब बवाल बढ़ सकता, दंगे हो सकते हैं। भारत एक शक्तिशाली देश बनना, भारत को एक शक्तिशाली देश बनना चाहिए सर। और वहाँ पर अगर जैसे जमीन तो का मतलब ये है कि मंदिर बन और मस्जिद बनाने से पहले और रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। रोजगार या जैसे सर वहाँ अस्पताल कोई बढ़िया बड़ा खोल दें, हाँ। या कोई विद्यालय खोल दें तो वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बच्चे पढ़ सकते हैं। आपके घर का कोई राजनीति में है? जी सर नहीं, कोई नहीं है। ये जानकारी आप कहाँ से? आप राजनेता के श्रेणी में जाना चाहते हैं सर? राजनेता तो नहीं, बस ये सिर्फ हमारी थिंक थी सर, वही बताए हैं। तो आपकी सोच थी यही? जी सर। कि मंदिर ना बन के ना मस्जिद बने? जी सर। रोजगार का कोई वहाँ? क्योंकि हमारा मतलब है सर कि विवाद ना हो, भारत एक शक्तिशाली देश बने जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। नेता कौन सा पसंद है आपको? नेता तो सर जो बढ़िया काम करेगा, मतलब ऐसा नेता हो जो हमारे देश को आगे बढ़ाए। जो हमारे देश इस समय नेता, इस समय हर युवा की पसंद मोदी है। जी सर। तो आपको कौन सा नेता पसंद है? सर हमारी भी पसंद वही है क्योंकि वो कार्य सही करते हैं। तो मंदिर उनका, उनकी मंशा है कि मंदिर बने? तो सर अब उनकी मंशा है तो मंदिर बने या मस्जिद बने, मतलब मेरा भी आप उनको पसंद करते हैं? जी सर मेरा मानना है जैसे अब उनको भी सोचना चाहिए। अच्छा उनको भी सोचना चाहिए, मतलब प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि मंदिर ना बने और मंदिर नहीं।